आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक्स जो सी है वहाँ से चलते हैं। एक एटम है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है आपके पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और ये उसका शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इस एटम को अगर मुझे आयन बनाना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, और ये जो ए एटम था ये एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा और ए पॉजिटिव बन जाएगा। और दूसरी ऑप्शन मेरे पास आयन को बनाने की वो ये है कि मैं इसका जो सा ऑलरेडी मौजूद एक इलेक्ट्रॉन था उसके अंदर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ए नेगेटिव जो है वो बन जाएगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से पता चल रहा है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयनाइजेशन, के आयनाइजेशन करने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए होगी। और आयनाइजेशन क्या है? आयनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन। आयन के बनने का जो अमल है दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन, और उस अमल में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी प्रॉपर और एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम। टू फॉर्म एन आयन। इसका अब क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एटम ए था और इसके शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था मुझे इसको यहाँ से नॉकआउट करना है और इसको आयन बनाना है। इस इलेक्ट्रॉन को इसके शेल में से उठा के बाहर निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आपको फर्स्ट चैप्टर कि बेसिक्स याद हो जिसमें हमने आयन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि पॉजिटिव आयन की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ एंडोथर्मिक, हमें उसमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एनर्जी इसको देंगे, क्यों देंगे? इसको आप इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कोई पार्टिकल ऐसा लोहे का फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है, तो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और मुझे इस मैग्नेट को उठा के इससे बाहर लेके आना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे जोर लगाना पड़ेगा, मुझे इसको खींचना पड़ेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम केस इज़ इन दी एटम। ये आपका शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसको ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब ये मैग्नेट के तौर पे इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मुझे इसको उठा के बाहर लेके जाना है इसकी रेंज में से। जब मुझे इसकी रेंज से उठा के बाहर लेके जाना पड़ेगा तो जैसे मुझे इस लोहे के पीस को खींचने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी थी, सिमिलरली मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इसकी फील्ड से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड से, न्यूक्लियस का जो रेंज है उससे बाहर आ जाए, तो आयन बन जाएगा ये। तो दिस इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आप डेफिनेशन पे अगर गौर करें तो एक और सवाल पैदा होता है कि उसने कहा है किसी भी एलिमेंट की व्हेन इट इज़ इन इट्स गैशियस फॉर्म। अब
गैसीय फॉर्म ही में क्यों? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सोडियम मेटल है और मुझे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो ये तो फिलहाल मेरे पास सॉलिड की शक्ल में है, तो मैं इसकी सॉलिड ही रहते हुए, इसको सॉलिड ही रखते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्यों फाइंड नहीं कर सकता? व्हाई आई हैव टू गो फ्रॉम सॉलिड टू द गैशियस फॉर्म? उसकी वजह ये है कि सॉलिड और लिक्विड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको इर्द गिर्द से फोर्स जो सी है वो अप्लाई हो रही होती है, लेकिन जब वो गैस फॉर्म में आएगा तो गैस फॉर्म में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एटम को गैसियस फॉर्म में इर्द गिर्द से एटम मिलने वाली एटम्स की तरफ से फोर्स लगनी है, दैट इज़ वेरी लो। ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट एटम होता है गैस की फॉर्म में, इस वजह से हम सिर्फ गैसियस फॉर्म में आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उस सूरत में हमें वही एनर्जी मिलेगी जो इस एटम को उठा के बाहर लाने में, इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर लाने में लगी है। और अगर ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगा तो पहले हमें इसको इर्द गिर्द से लगने वाली फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें मज़ीद एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये वाली एनर्जी निकलेगी, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से इस डेफिनेशन में भी गैसेस फॉर्म को मेंशन जो है वो किया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही होती है या इन्फ्लुएंस कर रही होती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी आयनाइजेशन एनर्जी, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका आयनाइजेशन एनर्जी के कम या ज़्यादा होने पे फ़र्क पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो पहली चीज़ है उसमें एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक एटम ये था, एक एटम ये था, अब यहाँ पे इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो जब ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी वजह क्या है? जब ये न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसको उठा के बाहर करना हमारे लिए आसान होगा, बजाय इसके इसकी एग्जांपल आप उसी तरह समझें कि एक मैग्नेट है और ये एक पार्टिकल जो है मैग्नेट के बहुत पास पड़ा हुआ है, जबकि एक दूसरा मैग्नेट है और उससे पार्टिकल जो है वो दूर पड़ा हुआ है, तो मुझे सेपरेट करने के लिए इसको एनर्जी जो है इस पे फोर्स मेरी ज़्यादा लगेगी बजाय के इसके। तो यही केस यहाँ पे, तो पता क्या चला कि एटॉमिक रेडियस मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो है उस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड आपकी करेगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। अब इस मैग्नेट की अपनी तरफ खींचने की ताकत ज़्यादा है, इस मैग्नेट की अपने तरफ खींचने की ताकत कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होगा वो उतनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई लोहे का पार्टिकल है, ये मैग्नेट है, तो ये जो कम फोर्स वाला मैग्नेट है ये इसको जब मुझे अलहदा करना पड़ेगा तो मुझे इतनी फोर्स नहीं देनी पड़ेगी इसकी निस्बत, क्योंकि इसको खींचने वाली फोर्स जो सी है अपनी तरफ वो अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मैग्नेट बड़ा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज़ द सेकेंड फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट कर रहा होता है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी को। थर्ड वन इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अब शील्डिंग इफेक्ट आपके पास, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक आउटर मोस्ट शेल है और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो मौजूद हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इनमें जो रिपल्शन होगी उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का शेल है ये थोड़ा सा फैल जाएगा। ये शील्डिंग इफेक्ट हम पीछे भी 5वें चैप्टर में अपने स्टडी करके आए हैं। तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसकी वजह से भी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इफेक्ट होती है। एंड फोर्थ इज़ द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल।
नेचर ऑफ ऑर्बिटल जो हम चार ऑर्बिटल अपने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ के आए हैं, S1 सॉरी SP, D एंड F, इन शेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, P में है या D में है, जिसको आपने रिमूव करना है, तो उसके ऊपर भी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दी आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम चलते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन दी पीरियोडिक टेबल। अब हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन दी पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, तो पहले हम बात करते हैं पीरियड की, कि जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूँगा अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एटम्स के मौजूद जो उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं एलिमेंट्स, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें इसका ट्रेंड आप याद रखें कि पीरियड के अंदर मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है, अब अगर आप अपने किसी एक पीरियड को स्टडी करें, लेट मी राइट अ पीरियड, पीरियड है जी आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इनके अगर अब मैं एटॉमिक नंबर्स लिखूं तो दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। लेकिन इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो दो ही हैं, पहला शेल पहले में दो और दूसरा शेल। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है, पांचवें चैप्टर में हम स्टडी करके आए हैं। तो इस पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ शेल है वो दो है। अब एक ही शेल में रहते हुए जब मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक था आखिरी शेल में, पहले में दो दूसरे में एक, पहले में दो दूसरे में दो, पहले में दो दूसरे में तीन, इसी तरह चलते चलते पहले में दो और दूसरे में आठ। तो शेल दूसरा ही है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज करने की वजह से, इसको आप इसी तरह समझ लें कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है जिसकी वैल्यू जो है आगे जाता जा रहा हूँ तो बढ़ती जा रही है एक एक प्रोटॉन के ऐड होने से। लेकिन जो इनके शेल हैं, जो जहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन है जिस डिस्टेंस पर, वो सेम डिस्टेंस है क्योंकि सेकंड शेल के अंदर मौजूद हैं। जिस एग्जांपल को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आउटर मोस्ट शेल दूसरा है, तो वो दूसरे शेल ही में जो है आपके पास, मतलब डिस्टेंस इसका सेम है हर केस में, लेकिन हर केस में ये जो है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे सेम डिस्टेंस पे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जाएगा, ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। जब ये ज़्यादा फोर्स से खींचेगा तो हमें इसको उठा के बाहर करने के लिए जो एनर्जी है वो भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे किसी भी पीरियड के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट विल इंक्रीज। उसकी रीज़न जो थी उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से ग्रुप के अंदर बढ़ती है। अब हम चलते हैं पीरियड के अंदर, अब हम चलते हैं ग्रुप के अंदर, के ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो उसका ट्रेंड ऑपोजिट होता है पीरियड के, वो डिक्रीज इन दी आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीज है उसकी क्या वजह है, उसको हम देख लेते हैं। लेट मी राइट अ पीरियड, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये मेरे पास एक ग्रुप है। अब अगर आप
आपको याद हो अपनी प्रीवियस क्लासेस का, या हम जो भी तक प्रीवियस स्टडी करके आए हैं, ग्रुप नंबर जो होता है दैट इज़ दी, जो आपके पास नंबर ऑफ़ पीरियड्स होते हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स जो उनसे हैं वो कितने हैं। मतलब क्या है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे होते हैं तो शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब मतलब क्या है कि अगर बेरिलियम के पास दो शेल्स थे तो जब मैं मैग्नीशियम पे आऊँगा तो उसके पास दो के बजाय तीन शेल होंगे, और जब मैं कैल्शियम पे आऊँगा तो उसके पास चार शेल्स होंगे, और इस तरह से जो है ये नंबर नीचे को बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स जो से हैं टॉप टू बॉटम मूव करने पे इंक्रीज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे एक नया शेल ऐड हो रहा है, एक नया शेल ऐड होने की वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल जो सा है वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज हो रहा है, और ख़ासा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब है जब एक शेल ऐड होगा तो वो इंक्रीज ख़ासा ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो अब एक चीज़, जब फॉर एग्जांपल इसको आप यूँ समझ लें कि ये मैग्नेट था, इसने डिस्टेंस जो सा है पहले ये था, फिर मैग्नेट तो कुछ बड़ा हुआ लेकिन डिस्टेंस उसके निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब आप ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड हो रहे हैं, शेल बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये जैसे जैसे दूर जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना जो है एनर्जी दे के वो आसान होगा, और आसान का मतलब क्या है कि लेस एनर्जी मेरी इस्तेमाल होगी। तो टॉप टू बॉटम जब भी हम मूव करेंगे आपके पास ग्रुप के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, वो कम ही होगी, वो बढ़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर जा रहा है, और जितना दूर जाएगा उसके इन्फ्लुएंस से उतना आसानी से उसको निकाल के हमें बाहर करना आसान होगा, उतनी कम एनर्जी जो होती है वो लगेगी। एक और वजह जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की समझ जो है वो आपको आसानी से आएगी कि जब हम बड़े शेल्स, बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं, अगर इस ग्रुप में मैं रेडियम या स्ट्रॉन्शियम की बात करूँ, तो उनका जो सा आउटर मोस्ट शेल है, फॉर एग्जांपल ये अगर आउटर मोस्ट शेल है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 32। तो ये जो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के करीब करीब होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल ना करते तो वो इस जगह पे रहते जहाँ पे ये अब हैं, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करके क्या होगा, ये फैल जाएंगे, ये शेल जो है मज़ीद बाहर हो जाएगा। तो ये अगर न्यूक्लियस था तो फॉर एग्जांपल पहले ये डिस्टेंस था, लेकिन शील्डिंग की इफेक्ट की वजह से अब डिस्टेंस बढ़ के ये हो चुका है। तो अब जो डिस्टेंस बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इसको निकालना एनर्जी मेरे लिए कम लगेगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि हम जब ग्रुप में बात करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। तो इसकी दो वजह हैं, एक वजह ये है कि नंबर ऑफ शेल जो उनसे हैं ऊपर से नीचे आए तो ऐड होते हैं और डिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से एनर्जी कम लगती है, और सेकंड इज़ दी शील्डिंग इफेक्ट के जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरवीन करते हैं, रिपेल करते हैं और फैल जाते हैं, फैलने से डिस्टेंस मज़ीद बढ़ जाता है और हमारे लिए सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को उठाना और बाहर करना आसान हो जाता है, इसलिए हमारी कम एनर्जी लगती है, और हम कहते हैं कि ग्रुप में मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, के क्या होती है, कैसे इफेक्ट करती है, गैसियस एटम में क्यों लेते हैं। फिर हमने इसका ट्रेंड देखा कि कैसे जो है पीरियड के अंदर ये इंक्रीज करती है और कैसे ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है, और हमने फैक्टर्स देखे जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तो था टॉपिक हमारा अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम इसी का रिमेनिंग पार्ट करेंगे कि हायर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसका इफेक्ट जो है वो क्या
क्या होता है। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी।